सीसीटीवी कैमरा को आपने चौराहों पर, घर में, ऑफिस में, कंपनी में और भी कई जगह पर देखा होगा, लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी कि सभी जगह पर अलग अलग तरह के सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। कुछ जगह पर बड़े से सीसीटीवी कैमरे होते हैं तो कुछ जगह पर छोटे छोटे गोल सीसीटीवी कैमरे होते हैं। अगर आप किसी जगह पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूरी जानना चाहिए कि सीसीटीवी कैमरा कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह के सीसीटीवी कैमरा बाज़ार में मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाज़ार में कई तरह के सीसीटीवी कैमरा मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ अलग तरह के होते हैं। उनके प्रकार सिर्फ तीन हैं। अगर टेक्निकल भाषा में देखा जाए तो सिर्फ तीन प्रकार के सीसीटीवी कैमरा होते हैं। पहला एनालॉग सीसीटीवी कैमरा, दूसरा आईपी सीसीटीवी कैमरा, तीसरा वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। अब हम बात करेंगे एनालॉग सीसीटीवी कैमरा के बारे में। एनालॉग सीसीटीवी कैमरा देखने में दूसरे सीसीटीवी कैमरे की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें दूसरे सीसीटीवी कैमरों के मुकाबले अलग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। एनालॉग सीसीटीवी कैमरे में आपको टीवीएल टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि आप इन कैमरों की मदद से सीधे टीवी पर सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। इन्हें हम डायरेक्ट टीवी पर चला सकते हैं, लेकिन इनकी एक खामी है, आपको अगर एक से ज़्यादा एनालॉग सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को देखना है तो आप जितने कैमरे होंगे उतने ही टीवी आपके पास होने चाहिए। आप एक टीवी पर सिर्फ एक ही सीसीटीवी फुटेज को देख सकते हैं। अगर आप इसे अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो आपको इसके साथ डीवीआर को इंस्टॉल करवाना पड़ता है। इस कैमरे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कैमरा सस्ते होते हैं। अगर आपको ज़्यादा संख्या में सीसीटीवी कैमरा लगवाने हैं तो आपको एनालॉग सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहिए। इन्हें इंस्टॉल करने में भी ज़्यादा खर्च नहीं आता है। एनालॉग सीसीटीवी कैमरे काफ़ी पुराने समय से चल रहे हैं, इसलिए ये सभी लोगों को आराम से मिल जाते हैं। आप चाहे तो इन्हें खुद लाकर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ बीएनसी कनेक्टर और पावर कनेक्टर को कैमरे से जुड़ना है। एनालॉग सीसीटीवी कैमरा का यूजर इंटरफेस काफ़ी आसान है। आप एक ही बारे में इसमें काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आईपी सीसीटीवी कैमरा के बारे में। सीसीटीवी कैमरा को अगर आप इंटरनेट के जरिए चलाना चाहते हैं या उसे कहीं से भी एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको आईपी सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहिए। इन्हें हम डिजिटल कैमरा भी कहते हैं। ये कैमरा इंटरनेट प्रोटोकॉल से आइडेंटिफाई होते हैं, इसलिए इन्हें आईपी कैमरा भी कहा जाता है। ये कैमरा एनालॉग सीसीटीवी कैमरा से अलग होते हैं। ये डिजिटल सिग्नल के ऊपर काम करते हैं। इनके लिए हमें डीवीआर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इन्हें आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर से भी चला सकते हैं। आईपी कैमरा में सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड रखने के लिए एनवीआर का उपयोग किया जाता है। इसे नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर भी कहा जाता है। ये एनालॉग सीसीटीवी कैमरे के मुकाबले काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए इनके दाम भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। इस तरह के कैमरा में आपको एनालॉग सीसीटीवी कैमरा से अच्छे वीडियो क्वालिटी मिलती है। इसमें 4K में वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसे इंस्टॉल करना काफ़ी आसान होता है और इंस्टॉल करने में ज़्यादा केबल का झंझट भी नहीं होता है। इस तरह के कैमरे में आपको कई एडवांस फीचर भी मिल जाते हैं जो आपके सीसीटीवी फुटेज एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। आईपी कैमरा को आप कहीं से भी बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं। इनके लिए आपके पास इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। इनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है और इनमें वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको स्पेस भी खरीदना पड़ता है। अब हम बात करेंगे वायरलेस सीसीटीवी कैमरा के बारे में। वायरलेस सीसीटीवी कैमरा एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा है जो वायरलेस होता है, मतलब इसमें वायर का कोई काम नहीं है। ये कैमरा आईपी और वाईफाई टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसकी मदद से हम बिना किसी वायर के कनेक्शन से सीसीटीवी लाइव फुटेज देख पाते हैं। अगर आपके पास ये कैमरा लगे हुए हैं तो आप कहीं पर भी बैठकर अपने मोबाइल में लाइव सीसीटीवी फुटेज को देख सकते हैं। इनकी फीचर्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। वायरलेस सीसीटीवी कैमरा में आपको केबल का झंझट ही नहीं है। इस तरह के सीसीटीवी कैमरा को आप खुद ही इंस्टॉल कर सकते हैं। इन्हें आप आसानी से कहीं पर भी लगा सकते हैं। इस तरह के कैमरा को आप बार बार अलग जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। इन्हें कहीं पर भी लगाना आसान होता है, क्योंकि इनमें वायर ही नहीं होता है।
इस तरह के कैमरा को इंस्टॉल करना भी बेहद आसान होता है। इन्हें बस आपको एक जगह पर लगाना है और अपने मोबाइल में कैमरा का ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इसके बाद उस कैमरे के कोड के जरिए आप इंटरनेट की मदद से लाइव फुटेज देख पाएंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि कैमरा को चलाने के लिए भी इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। सीसीटीवी कैमरा के प्रकार के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन आपने बाजार में कैमरा अलग अलग रूप में देखे होंगे। कोई कैमरा आपने गोल देखा होगा, कोई कैमरा लंबा सा होगा। इसी तरह कई अलग अलग सीसीटीवी कैमरा होते हैं जिनकी अलग अलग नाम होता है। अब हम बात करेंगे डोम सीसीटीवी कैमरा के बारे में। ये एक आधी कटी हुई गेंद के जैसे होता है। इस तरह के कैमरा सीधे घर की छत पर लगाने के लिए सही होता है। ये देखने में काफी अच्छा लगता है और इससे आपके ऑफिस और घर के लुक में भी कोई नुकसान नहीं होता है। इस तरह के कैमरा आपको ज्यादातर बैंक, ऑफिस या दुकान में देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे बुलेट कैमरा के बारे में। बुलेट कैमरा देखने में बेलन के जैसे दिखता है और पीछे से एक डंडे से जुड़ा होता है। इस तरह के कैमरा का उपयोग आउटडोर के लिए होता है। इन्हें आपने ऑफिस के बाहर टोल गेट पर, चौराहे पर, पार्किंग एरिया में देखे होंगे। आउटडोर के लिए काफी अच्छे होते हैं और इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे पीटीजेड कैमरा के बारे में। पीटीजेड कैमरा का मतलब होता है पान, टिल्ट, जूम। कई कैमरा आपने देखे होंगे जो एक ही जगह पर फोकस करते हैं, लेकिन पीटीजेड कैमरा इनसे काफी अलग होता है। इसे आप किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हैं, जूम कर सकते हैं और किसी भी एरिया पर फोकस कर सकते हैं। ये कैमरा ऊपर नीचे, दाएं बाएं रोटेट भी करता है। इस तरह के कैमरा को आपने चौराहों पर ज्यादा देखा होगा। अब आप जान गए होंगे कि सीसीटीवी कैमरा क्या होता है और कितने तरह का होता है। सीसीटीवी कैमरा लेने से पहले इस चीज को समझना काफी जरूरी है कि आप किस चीज के लिए और कितने बजट में सीसीटीवी कैमरा लेना चाहते हैं। अगर आप ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप एनालॉग सीसीटीवी कैमरा एक DVR डिवाइस के साथ खरीद सकते हैं। अगर आप कहीं से भी बैठकर लाइव फुटेज देखना चाहते हैं तो आपके लिए वायरलेस सीसीटीवी कैमरा सही रहेगा। ये पूरी तरह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा सीसीटीवी कैमरा लगवाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।